स्वस्थ है, प्रसन्न है, कारण जो मार्ग बतलाया उस मार्ग पर चल रहे हैं, और हम ना जाने कौन सा मार्ग, कौन सी भाषा, कौन सा भूत सवार हो गया है। अपनी भाषा प्रिय नहीं है आज हमें, आज हमें अपनी भाषा से प्यार नहीं है। हमें किन की भाषा, क्यों क्यों? वस्तुतः यदि आप पुराना साहित्य देखो तो कोई भी ग्रंथ इंग्लिश में नहीं मिलेंगे, आप मिलेंगे क्या? नहीं। कर्नाटक में देखो तो पूर्वाचार्य जो प्राचीन आचार्य हो, उन्होंने हाड़े कन्नड़ में अपने ग्रंथ लिखे, उनकी जो मूल भाषा थी उन्होंने हाड़े कन्नड़ में लिखे। और पहले की जो प्रांचल भाषा प्राकृत रही है, प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए, और संस्कृत भाषा देश की सर्वप्रिय भाषा, सुसंस्कारित भाषा यदि कोई है तो संस्कृत भाषा, मधुर भाषा, प्रिय भाषा, सुसंस्कारित भाषा, जिसमें कभी भी कोई भी निंदा का पात्र नहीं बन सकता, ऐसी भाषा यदि कोई है तो संस्कृत भाषा। आज वह हमारे पास नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं सिक्स से टेंथ तक एक ही सब्जेक्ट रखा, वो भी कितने ऑप्शन में आता, कितने नंबर्स रहते, 50 का 80 जो भी हो, इससे ज्यादा कब हो ही नहीं। तो उसमें आपको कुछ नहीं ये भी मालूम है, इसमें आएगा क्या, ये सारे ऑप्शन मालूम है, इतना इतना आएगा, बस टिक करने का। अब हमारा ये भी खत्म हो गया कि मुझे इतनी मेहनत करना कि नहीं, बस ये ना आंखें बंद करके एक बच्चा उसमें पास हो जाता तो कोई मेहनत करने की आवश्यकता। वस्तुतः यदि हमें पूर्वाचार्यों को पढ़ना है, जैनाचार्यों को पढ़ना है, उनके भावों से मिलना है, तो मुझे उस भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें प्राकृत लिखी है, संस्कृत लिखी है। अब जो जानकार थे उन्हें हिंदी टीका कर दी, पर उन्हें जितने जानकार होंगे उतना ही किया होगा, आगे तो हम नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हम अभी सोए हुए, हम यदि ये चाहते कि जो आज अपनी लौकिक शिक्षा में पढ़ाई में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद इनके लिए है क्या मात्र। मैं मान सकती हूँ आपका मंथ पैकेज 5 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है मंथली, इससे ज्यादा होगा क्या? आप पैसे ही कमा सकते हो, क्या करोगे? बस इतना ही करोगे, परिवार का भरण पोषण करोगे, स्वयं खाओगे पियोगे, पैसे तो नहीं खाओगे ना, भूख मिटाने के लिए भोजन ही करोगे, भूख मिटाने के लिए, भूख का शमन करने के लिए भोजन ही किया जाता, पैसे तो नहीं खाए जाते, प्यास बुझाने के लिए पानी पिया जाता है, और कुछ तो नहीं किया जाता। तो जितनी मेहनत हम कॉलेज की पढ़ाई इत्यादि फार्मेसी की पढ़ाई इत्यादि में बेस्ट कर रहे हैं, यदि वही माइंड वही व्यक्ति कुछ हमारे जिन धर्म के लिए समर्पित हो जाए, तो हमारा जो साहित्य संपदा, धार्मिक संपदा लोप होती जा रही है, वो एक क्या हो, उसका विकास हो जाए। आज हम सोचते यह विकास यह विकास यह विकास, क्या हमारे मन में कभी यह आता हम जिन धर्म के लिए कुछ करें? आता नहीं आता।
भी तो विचार आना चाहिए। मतलब इसके लिए तो धन चाहिए। आप समर्पित हो ये धन, धन देने वाले बहुत मिल जाएंगे, धर्मात्मा बहुत मिल जाएंगे जो चाहेंगे कि आप सेवा तो करो। धन की कमी नहीं है पर समर्पित होने की आवश्यकता। अच्छे अच्छे लोग, यदि पढ़े लिखे लोग दीक्षा लेते हैं तो उनका समर्पण भी इसी के लिए होता। आज हम देखें सन्मति भैया जो अभी वर्तमान में आदित्य सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने जबलपुर में टॉप किया था, टॉपर थे वो। उसके बाद दीक्षा ली, आज भी बेंगलोर में अध्ययन कर रहे हैं। किस चीज का? कन्नड़। श्रवण वेल बोला गए, वहां से अपने गुरुजी से अलग हुए आचार्य विष्णु सागर जी के पास से। मुझे हाड़े कन्नड़ पढ़ना है। उन्होंने यहाँ आके भी दीक्षा ली ना, तो प्राकृत पूरी की। प्राकृत पूरी करने के बाद उन्होंने प्राकृत में ग्रंथ लिखना शुरू किए। इसके बाद जब कर्नाटक गए तो उन्होंने देखा कि हम तो पढ़ ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा है, बुद्धि है। आज हाड़े कन्नड़ पढ़ रहे हैं बेंगलोर में। 8 महीने हो गए अभी जब से पढ़ रहे हैं, और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम वहीं रहेंगे, गुरु जी के पास नहीं आएंगे। कितना कठपुण है। दो महाराज जी सौम्य सागर, अर्जित सागर, वो तमिल गए। हम तमिल सीख के आएंगे, हम तमिल पूरी कंप्लीट करके आएंगे तभी वापस आएंगे, तक नहीं आएंगे। तो हमारा यदि हम कुछ हमारा ही ऐसा समर्पण है, हमारा तो यही, हमने माता पिता ने पढ़ाया तो हम जॉब करके दिखाएं, ठीक है? उनको जॉब करके दिखा दोगे, आप पैसे उनको देगोगे ना, वो पैसे ले जाने वाले हैं। आप कुछ ऐसा दे करके जाइए इस दुनिया को जो जीवन भर रहे, कई वर्षों तक रहे, ऐसा कुछ कीजिए। आपकी प्रज्ञा है, आपकी बुद्धि है, तो हम उसका सदुपयोग करें। आजकल तो मात्र हमने ये सोच लिया कि बस दो, हम एक हमारे चार, बस इतने ही तक जी। लेकिन यह पता है कि अकेले हो, अकेला ही रहना, जिसको हम चार बोल रहे हैं ये सब छोड़ देंगे, धोखा देंगे। ये पिताजी आज बाजू में बैठे हैं, जिस दिन चाहोगे कि जीवन भर साथ दें तो पिताजी ना जाने किस दिन धोखा दे के चले जाएंगे। गारंटी से लिख के लेना, ये धोखा देंगे। ये सोचते कि हम बेटे की हमेशा सेवा करते रहेंगे तो नहीं करेंगे ना, तो अब बेटी की करोगे ना बेटे की करोगे, किस दिन धोखा दोगे और आपकी आँख बंद हो जाएंगी। इसलिए जब तक ये आँखें खुली हैं इसके पहले जाग जाओ। मात तो अपने बच्चों को भी जगा दो, मैंने कुछ नहीं किया, कम से कम आप तो जाग जाओ। एक वो है माधन्य जो अपने बेटे के लिए कहाँ भेज देती, सहरत पर भेज देती, जाओ। आज भी खड़े हैं, आज देखो उन जवानों को, वो देश की रक्षा के लिए खड़े। उस माँ ने देश की रक्षा के लिए बेटे को समर्पण किया, हमने तो धर्म को ही नहीं कर पाते। और वहां पता है जिसने देश के लिए बेटे को दिया, वहां भी कोई गारंटी नहीं है कि बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और ये भी नहीं पता वहां भोजन मिलेगा कि नहीं। कई कई दिनों तक, 8-8, 10-10 दिन तक पानी भी नहीं मिलता। एक टैबलेट लेते हैं, वह टैबलेट के सहारे 8-8, 10-10 दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं, और अपने कंधे पर कितना बोझ लेकर चलते। आज हमसे कोई बोझ ढोया नहीं जाता, हमसे अपनी बॉडी का बोझ नहीं ढोया जाता। देखो आज उनके कारण हम यहाँ बैठे सुरक्षित। यदि उन्होंने समर्पण नहीं किया होता तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं बैठे।
आज उनके कारण आपके दिगंबर साधु संत निर्विकल्प होकर के विहार करते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर कोई और बैठा है हमारे रक्षा के। इसलिए हम क्या दे रहे इसके बदले में, हम कम से कम अपने धर्म की रक्षा तो कर लें, अपने जीवन को सफल तो बना लें। आपके पास बहुत विवेक है, बहुत ज्ञानवान है, जितना कि मुझे भी नहीं, लेकिन बस अंतर इतना है आपने अभी उस माइंड को कहीं और कन्वर्ट करके रखा है। यदि सच में मैं मानूं, आप जैसे लोग, आप जैसे प्रबुद्ध लोग यदि धर्म के लिए कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक भेज सकते हैं, पर भेजना नहीं चाहते। यदि चाहते हैं तो करो समर्पण, जरूरी नहीं है कि दीक्षा ही लो, ये जरूरी नहीं है कि दीक्षा ही लो। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था मैं दीक्षा लूंगा, बन गया ले ली, नहीं हो तो तू नहीं लेते, करो। अब क्या होता, कभी कभी देखा जाता है बहुत सारी चीजें जो चीज हाथ से संभव नहीं है। आजकल इतने यंत्र बन गए हैं जिन चीजों से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उससे हम अपने धर्म को कहां तक पहुंचा सकते हैं। आज अब देखो, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इत्यादि बहुत सारे यंत्रों के माध्यम से हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कितना कर सकते हैं, पर अभी हम उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे, कोई और चीज के लिए कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। है तो सब कुछ पर कर नहीं। अब कोई सोचे कि माताजी महाराज जी करें तो निंदा के पात्र बन जाते हैं, उस चीज को समझते नहीं है, दो चीज हो गई, और हमारा समर्पण नहीं है कि हम कर सके। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि दीक्षा ही लेना अनिवार्य है, ठीक है तुम समर्पित हो जाओ, जिन धर्म के लिए कुछ करो। और आज ऐसे लोग हैं कि आप कुछ नहीं करना चाहते, परिवार का संचालन करना चाहते, हाँ ऐसी भी जॉब है, आप धर्म के लिए समर्पित हो ही आपका परिवार चलेगा, आपको पेमेंट दिया जाएगा। ऐसी भी हमारी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो कीजिए, पर जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। हम अपने महत्व को समझे, ये जन्म मुझे इसलिए नहीं मिला कि वो ही आए मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ खोले चले जाए, ये कोई बात नहीं है, आए थे बांध के खोल के चले जाओ, कुछ नहीं ले जाओगे। इसलिए हमें जब कुछ ले नहीं जाना, मात्र व्यक्ति पेट के लिए परेशान नहीं है, पेटी के लिए परेशान है। मेरी तिजोरी मेरी पेटी भरी होना चाहिए, यदि पेट के लिए होता तो आप हमारे लिए, हम तो कुछ नहीं कमा रहे, कुछ नहीं कमा रहे, फिर भी आपसे अच्छा भोजन मुझे दिया जाता नहीं, सत्य ना, हम कुछ कमा नहीं रहे, कुछ मांग नहीं रहे कि मुझे ये दो, फिर भी मुझे जो पसंद उससे अच्छा भी ट्राई करते हो, पूछते बताओ फिर भी दे रहे, तो बताओ पेट के लिए व्यक्ति पाप कर रहा क्या, पेटी के लिए। और यदि कोई त्यागी व्रती ऐसा हो कि माता जी को पूछते तो मैं बात को छोड़ू, कोई त्यागी व्रती भैया बहने होते उनको दोनों टाइम खिलाते कि नहीं खिलाते, वो दो दो तीन तीन टाइम खिला दे, तो इससे तो ये सिद्ध होता कि पेट के लिए व्यक्ति पाप नहीं कर रहा, पेटी के लिए कर रहा, वो तिजोरी भरने की कोशिश कर रहा। इसलिए हम तिजोरी को भरने की प्रयास ना करें, यदि आपका लक्ष्य बन गया तो लोग आपकी सेवा आपके लिए हाथों पर लेकर घूमेंगे। यदि घर में कोई बीमार होता तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता, और हम बीमार होते तो प्राची 10 चक्कर काटती, क्यों, वो माँ बीमार होगी तो इतने चक्कर नहीं काटेगी, हम बीमार हुए तो बार बार आएगी, क्यों, कारण क्या। लोगों का लक्ष्य क्या है, कल मेरे से किसी ने कुछ कहा, संतोष साजी कुछ बोले, क्योंकि मैंने ये पता है आपका जीवन आपके लिए नहीं है, आपका जीवन धर्म के लिए समर्पित है। यदि धर्मात्मा को कुछ हो जाएगा तो जितना वो धर्मात्मा करने वाला तो उतना धर्म हमारा लोप हो जाएगा। वो तेज सुन का है, प्राच
जी को मेरे से स्नेह नहीं है, उसे धर्मात्मा से स्नेह है। वो सोचती है कि यदि इनकी सेवा करेंगे तो धर्म आगे चलेगा। तो जब वो साधारण से व्यक्ति सोच सकता, तो आप जब धर्म करेंगे, आप धर्म की रक्षा करेंगे, तो क्या आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा? हजार होंगे। अभी मात्र हम अकेले होते हैं, कल मेरे साथ हजार करोड़ लोग हुआ करते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो आपको कभी होगा नहीं, अभी तक मात्र हम सीमित रहे, अब हमें सीमित नहीं रहना। हम एक परिवार के नहीं, एक समाज के नहीं, एक देश के नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व के लिए हैं। मात्र जिस दिन हमारे अंदर में ये भावनाएं जाग जाएंगी, उस दिन हम कुछ कर पाएंगे। जब तक आपने अपने जीवन का महत्व नहीं समझा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुख होता, आज के सारी नई की नई पीढ़ी बाहर 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 देख रही, एक भी पीढ़ी का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है कि जो इस जिन धर्म को आगे बढ़ाएगा। और जब कभी बच्चों को देखते तो उनके अभिभाव है, तो आगे यही सोचते, काश भगवान से यही प्रेयर करते उनके भाव आगे भी बने रहे, जैसे ही वो बड़े हों तो जिन शासन के लिए कुछ कर पाए। तो हम आपसे यही सोचते हैं, आप बहुत अच्छे संस्कार दे दें, बहुत आगे बढ़ा दें। कभी यह भी संस्कार दो बच्चों को कि हाँ, मैंने आपको जन्म तो दिया है, पर मात्र इसलिए नहीं दिया है कि आप मेरी सेवा करें, इसलिए नहीं कि आप मेरी सेवा करें, आप देश की सेवा करें, धर्म की सेवा करें। यदि धर्म की सेवा करेंगे तो पूरे राष्ट्र की सेवा हो जाएगी, धर्मात्मा की सेवा हो जाएगी, पूरी जैन समाज की सेवा हो जाएगी। क्योंकि यदि एक अच्छा पर्सन निकलता है तो पूरे सब को उठा लेता। तरुण सागर जी क्या थे? एक ही माने जन्म दिया था ना? तो जब आप ये स्वप्न रख सकते हो कि मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो क्या यह स्वप्न यहाँ नहीं हो सकता कि मैं इस मार्ग में आकर के, यहाँ आकर के कुछ कर सकता हूँ? वह स्वप्न को पूरा कर। जब तक हमारे अंदर में सोच नहीं होगी, तब तक कुछ करने वाले हम नहीं हैं। आज देखो तो हम देखें भैया बैठे, आज हमारे अंदर मतभेद है। आज देखो तो श्वेतंबर साधुओं ने एक सोचा है, क्या सोचा? मुझे जगह जगह पर उपाश्रय बनाना, ताकि हमारे साधु संत परेशान ना हो। सोचा तभी हुआ, उनकी सोच दान देने वाले बहुत मिले। आज मैं सोचूं कि मैं सोचूं तो क्या होगा, ये मत सोचो। आपका पुण्य है इतना, जब आपके पुण्य में इतना था पिच्छी कमंडल, तो आपके पुण्य में यह भी होगा, यह सब कुछ होगा। आप सोचो हित के बारे में। हम तो मात्र भावना भाते थे कि उनसे मिलना, तुम भावना तो भाव सबसे मिलोगे, ऐसा नहीं है। तो जब आपको अपनी सोच से आपको जॉब मिल सकती है, परिवार मिल सकता है, आपके रिलेटिव मिल सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, तो आपको और कुछ क्यों नहीं मिल सकता? आप जितनी अच्छी सोच रखेंगे, मात्र सोचना पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एक्चुअली हमारी सोच नकारात्मक है, हम नेगेटिव सोचते हैं, कल मेरे साथ ऐसा हो, आज ऐसा हुआ, आज मुझे बुखार नहीं आया, कल जरूर आएगा, अब तो आएगा, गारंटी लेते हैं, अब तो आएगा ही आएगा, ये गारंटी से हम तो साइन करते हैं, क्योंकि आपने पहले सोच लिया, आज नहीं आया ना, कल आएगा। एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी मेंटेलिटी बन चुकी कि आज नहीं आया, कल आने वाला। क्यों आएगा? जब आएगा तो मेरी कर्म का उदय। लेकिन हमने क्या है ना, माइंड में ऐसा बना के रखा। वो माता जी ना सुबह से आ गया था परेशान, बैठ कुछ नहीं हो रहा, 3 घंटे निकाले, यदि आप लोग होते तो वहाँ लेटा देते और वो 3 घंटे परेशान है, क्या वो प्राची को भेजना पड़ता। तो क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमारे माइंड पर ही
हुआ करती है, इसलिए हमें अपनी सकारात्मक सोच रखना चाहिए हमेशा। कभी भी अशुभ ना सोच, मत पड़ा है अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो, अशुभ सुनो ना, अशुभ कहो ना, अशुभ नहीं देखो, शुभ चरिया हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो। मुझे बोलने का अवसर भी नहीं, अशुभ ना सोचो, अशुभ ना देखो, देखना अशुभ है, सोचना अशुभ है, कहना अशुभ है, लिखना जो कुछ भी बोलते कुछ है मंदिर में भगवान के सामने, लेकिन करते कुछ है। जो कह रहे हो प्रेयर में वह करो तो सही, शुद्ध भाव बांटो। हाँ, शुद्ध भाव होंगे जब देखना सो, वही देखेंगे जिससे हमारे परिणाम सो, वही सोचेंगे जिससे मेरा सो, समाज का सो, परिवार का सो, राष्ट्र का सो, विश्व का सो, वह नहीं सोचेंगे जिससे मेरा भी असो। टेंशन है, टेंशन है, कौन सा टेंशन? अरे सब सोच रहे, टेंशन नहीं होता सब सोच रहे में। सामने वाला कह रहा टेंशन सोच रहे कह रहा, कितना भी कहो मेरे को तो सब सोचना ही है। ये मन मिला है, ये मन कभी भी खाली रहता नहीं। अभी सब सोचो यहाँ नहीं तो बाहर, अभी यहाँ सुन रहे यहाँ से निकलोगे बाहर का दिखने लग जाएगा, अभी जिनवाणी दिख रही है बाहर जाओगे जन जन दिखने लग जाएगा, अभी जनवाणी की सुनाई दे रही है बाहर जनवाणी सुनाई देगी। बस बहुत सारे ऐसे कारण हैं, उन कारणों के अनुरूप हमें परिवर्तित नहीं होना है। मुख्य कारण क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, इस संसार में आए हो, कुछ सपने थे ना, बस माँ के गर्भ में थे, सोचते थे मैं एक बार निकलूं, पुनः ना आना पड़े, एक बार मेरा जैन कुल में जन्म हो जाए। हो गया छने पानी में, दया के आंगन में पैदा हो गए, छने पानी में जन्म ले लिया, साधु संत मिल गए, जिन मंदिर मिल गए, सब कुछ मिल गया, और यहाँ आकर के सब कुछ भूल गए। वही दिखने लगा जो दिखना नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी सभी को अपना अधिकार है, सोचो अपने बारे में, प्रतिदिन दो अपने आप को समय, मैं किस लिए आया हूँ, ये परिवार किस लिए है। धन्य है वह लोग, वह पूजा चावड़ा, पंकज चावड़ा, जिन्होंने शादी भी की, अमेरिका जॉब भी करते थे, उसके बाद भी वहां से रिटायर हुए 5 साल जॉब करने के बाद, और दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, दीक्षा नहीं ली, फिर भी करुणा नियोग का अध्ययन करके आज ना जिन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। बुद्धि उसका सदुपयोग करो। धन्य हुए जिनेंद्र बर्णी, जिन्होंने 18 वर्ष की एज में वकील लॉयर होने के बाद छोड़ के सब लोग पागल घोषित करते थे, आज जैन धर्म की डिक्शनरी यदि सबसे बड़ी है तो जिनेंद्र सिद्धांत को जिनेंद्र वर्णी ने लिखी, संकलन किया, 16 वर्ष का अधिक परिश्रम, सब लोग पागल कहते थे, क्यों, ये क्या होते हैं कार्टून बोलते जैसे गत्ते, वो सारे बॉक्स अलग अलग रखे, कुछ नोट्स मिला लिखा उसमें एक पर्ची डाली, जहाँ पेज खाली पड़ा मिल गया वो पेज उठा के उसमें लिखते थे और डालते जाते थे, और जब वो समाधि हो गई
तब उनके 60 कार्टून भरे मिले। वो देखा क्या किया जिनेंद्र प्रसाद बर्नी ने। लोग तो उन्हें पागल कहते थे कि कागज बटोरने वाला कोई पागल छुल्लक आ गया। छुल्लक दीक्षा ली थी, पागल घोषित कर दिया था। और जब उस डिक्शनरी को प्रकाशित किया गया, आज लगता आज तक कोई नहीं हुआ। आज जितने साधु संत हैं सब अपने पास वो डिक्शनरी रखते। आज मेरे गुरुजी ने जब मुझे अलग किया तो सबसे पहले जिनेंद्र सिद्धांत पोस्ट भेंट किए थे पांचों। तो यह मत सोचो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यह मत यदि लोगों के अनुरूप चलोगे तो चल नहीं पाओगे। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, मुख उनका है। लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सोचने का तरीका उनका। मैं क्या कर रहा हूँ मैं जानता, तो मेरे केवल ज्ञानी जानते हैं। यहाँ देखने वाले, यहाँ सोचने वाले कोई भी कुछ हो नहीं जानता। मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा ही करना है। इन सब भावनाओं के साथ आप अपने आप को देखें। यह शास्त्र दर्पण है, यह मात्र दूसरे को देखने के लिए नहीं। जैसे हम मिरर के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं, तो दर्पण में देखता हूँ मैं कैसा हूँ, मेरा फेस कैसा है, कुछ लगा तो नहीं। मिरर में दर्पण की काली माँ दिखती है, फेस का दोष दिखता है, और शास्त्र रूपी दर्पण में अंदर का दोष दिखता है। आप यह दर्पण है, इसमें देखोगे तो आपके अंदर के दोष दिखेंगे, आपको अपनी आत्मा दिखेगी। तो इस शास्त्र को दर्पण समझना, स्पष्ट दिखना, क्योंकि कुछ और दर्पण नहीं है, इस शास्त्र एक दर्पण है जिसको देख पढ़ने के बाद निज दर्पण को, निज परमात्मा को निहारा जाता है। इसलिए आप से यही चाहेंगे सबको देखो, पर सबको देखने के बाद निज को भी देखो। यह जीवन निज को देखने के लिए मिला है, और निज को देखते देखते जितना आत्मा का कल्याण हो जाए, पर का कल्याण हो जाए, तो उसका भी भला, आपका भी भला। बोलिए मम शिक्षा दीक्षा दत्ता प्रभु जी ने आचिर्वशी विभव सरजी महाराज की जय।